तो दोस्तों आज हम लोग इसी तरह आपके फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजशेखर और मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है फिगरा क्रिएशन पे। पहले अगर आप फ़ोटो आप स्मूथ या एडिटिंग कर चुके हैं या नहीं आपको करने आता है तो आप मेरे दूसरे वीडियो में आप उस पर वीडियो बना दूँगा या और भी वीडियो मैंने डाल रखा है बट तो फिलहाल मैं इस फ़ोटो में थोड़ी सी बचा हुआ था स्मूथिंग के काम, थोड़ा हेयर्स, तो उसको मैं कर लेता हूँ, फिर हम लोग फ़ोटो को आगे बनाएंगे। तो पहले स्मूथिंग मैं स्केच बुक से कर रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इसका लिंक मैं आपके स्केच बुक में डाल दूँगा। स्केच बुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाल के जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए आप सिलेक्टिव टूल से आप पतला वाला पेंसिल जो होता है वो यूज़ कर लेंगे, उससे आप हेयर को ऑयली बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, जिससे थोड़ा आपका बाल देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और यहाँ से आके इसे थोड़ा सा ऊपर में एक और कट मार देंगे। जैसे कि आजकल के तो सभी कोई कट हेयर में कट लगाना अच्छा लगता है सभी को, क्योंकि लगभग सब कुछ चाहते इस टाइप के कट लगाने, तो हमने लगा दिया इस टाइप के। पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़ के सेकेंड वाले में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको वही पेंसिल टूल यूज़ करना है और इसको इसको फेस से मैचिंग कर देना है। ये लगभग हो ही चुका है, देखने बढ़िया लग रहा है, उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फ़ोटो सेव। हम लोग फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, ये एक फ़ोटो रूम ऐप है जिसमें आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं बस 2 सेकेंड में। ये मैंने फ़ोटो रूम में फ़ोटो को डाला और ये मेरा फ़ोटो हो जाएगा, क्रॉप होकर तैयार हो जाएगा बस थोड़ा सा सेकेंड में ही। अगर ये आपको देखिए ये क्रॉप हो गया, अगर ये आप बाय करते हैं तो ये आपका जो नीचे फ़ोटो रूम लिखा हुआ आएगा वो नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ़ोटो रूम लिख के आता है, मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे नीचे में फ़ोटो रूम लिख रहा होगा, अभी नहीं पता चला क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है और लिखा हुआ वाइट में आता है तो पता नहीं चलता। जब हम आप फ़ोटो लगाएंगे तब आपको मैं बता दूँगा। तो ये आप पेड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप फिर ऊपर वाले एरो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, तो सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेंगे, सेव कर लेंगे के बाद हम सीधे चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, पिक्सआर्ट की तरफ। पिक्सआर्ट ओपन करेंगे, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, एडिट अ फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फोटो बैकग्राउंड पहले सेलेक्ट कर लेंगे जो बैकग्राउंड हमें फ़ोटो एडिटिंग के लिए चाहिए। ये गैलरी भी नहीं यार गजब करता है, मैं हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकता ना, इसलिए प्राइवेट रखना पड़ता है। तो हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ गया फ़ोटो बैकग्राउंड जो सेलेक्ट कर लेंगे पहले, मैं ये बैकग्राउंड मेरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, जो अभी मैंने क्रॉप किया वो फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। एम फोर मिल गया फ़ोटो, इसे ऐड कर लिए, एक पर्सन से भाई भी है मेरा उसमें, तो उसे हम क्रॉप करके हटा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नीचे फ़ोटो रूम, इसे अगर बिना फ़ोटो रूम लिखा हुआ अगर आप चाहते हैं तो उसे बाय करना पड़ेगा, लेकिन फ्री में आप उसे इरेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो रूम लिखा हुआ है तो क्या हो गया, उसे इरेज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से मैं अच्छे से ढंग से क्रॉप कर लीजिए, इरेज कर दीजिए, इरेज टूल का इस्तेमाल करके उसको भी हम इरेज कर दिए, वो हमारे कलर से ढक जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से हो गया, उसके बाद फ़ोटो को अच्छे से पोजीशन पे कर देंगे, आपका फ़ोटो जैसा होगा उस हिसाब से आप अपने पोजीशन पे फ़ोटो को मिला लीजिएगा। फ़ोटो ये मेरा यहाँ पे बेटर लग रहा है, तो इसके लिए अब थोड़ा कलर वलर लगाते हैं, टूल्स वूल्स लगाते हैं जिससे फ़ोटो और भी बढ़िया दिखे। तो मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बकेट जो कि मेरे हाथ में रहेगा, ये बकेट थोड़ा सा बड़ा ही रखूँगा क्योंकि ये हाथ मेरा आगे की तरफ है, तो थोड़ा सा बकेट बड़ा देखना चाहिए क्योंकि आगे की तरफ है ना, इसलिए बड़ा देखना चाहिए। तो ये मैंने सेट कर लिया, अब इसे इरेज कर दूँगा जो मेरे हाथ के ऊपर से मैं आ रहा है। ऐसे हाथ तो मैंने पोजिशन कर लेते बट क्या करें, फ़ोटो यही था, फ़ोटो दूसरा मिल नहीं रहा था और कैमरा भी है नहीं मेरे पास, तो इसी फ़ोटो पे मैं एडिट करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस हैंड को खड़े के बदले अपर डाउन में रहता तो ये फोटो मतलब बकेट आराम से इजीली हाथ में पकड़ाता और देखने में भी लगता रियल टाइप का, बट क्या करें, कभी इसी से सिखा रहा हूँ मैं आपको।
तो यही अच्छे से मिला कर इरेज कर देंगे इरेज टूल की मदद से। तो बाद डन करेंगे इसको, देखते हैं कहीं और गड़बड़ तो नहीं, डन हो गया। उसके बाद अब दूसरा फ़ोटो ऐड करेंगे, वो हमारा कलर्स का होगा और बकेट्स का होगा, जो देखने में और फ़ोटो को खूबसूरत बनाएगा। कहाँ आ गया फ़ोटो यार, ये फ़ोटो भी जल्दी जल्दी नहीं मिलता मुझे, ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और पुराने हो तो लाइक कर दें, शेयर करें। ये मेरा बकेट मिल गया, मैंने दोनों बकेट का मेरी ये PNG, आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऐसा मैं पहले साइड कर लेता हूँ एक को, फिर एक को एडजस्ट कर लेंगे, इसे फुल स्क्रीन करेंगे और आराम से सेट हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। फुल स्क्रीन बस करना है और सेट। तो सेकंड वाले को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ये तो थोड़ा सा बस नीचे कर लेंगे और सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे और उसे भी फुल स्क्रीन करेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा और बड़ा बस, और इसे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए थे आई थिंक। हाँ ये हो गया डन, इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं, ये हो गया हमारा। और उसके बाद टिक, उसके बाद अब एक और फोटो, एक और PNG सिलेक्ट करेंगे। एक और PNG हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं जो कि है कलर्स का। कलर्स के बिना होली का फ़ोटो तो अधूरा है, तो इसलिए हम लोग कलर्स का फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए, PNG सेलेक्ट किए। उसे भी इसी तरह फुल स्क्रीन कर लेंगे, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। फुल स्क्रीन किए, कलर्स आ गया, अब थोड़ा लग रहा है होली होली टाइप का। ये हो गया कलर्स फुट सेलेक्ट। अगर आप और थोड़ा कलर्स कलरफुल चाहते हैं, अगर इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप और कलरफुल चाहते हैं तो स्टिकर में जाएं। और यहाँ से मैं कलर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़े से एक इंक कलर्स वाला जो कि फेस पे कलर शो करेगा, तो बना लेंगे। ये मैंने टीप लिख लिया, आपको फेस पे लगाएंगे पहले, इसे तो एडजस्ट करेंगे इधर उधर देख लेते हैं, पहले फेस पे लगाते हैं। फ़ोटो को जूम कर लेंगे पहले थोड़ा सा, यहाँ से पता नहीं चला तो फ़ोटो थोड़ा जूम कर लें और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा कर लेंगे, जहाँ पे बेटर लगेगा वहाँ पे लगा लेंगे हम लोग, देखते हैं। और उसको ब्लेंड में जाएंगे, ब्लेंड में जाके इसको स्क्रीन मल्टीपल में जाएंगे तो थोड़ा रियल लुक आ रहा है कलर का, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे। और अगर नहीं चाहते, अगर एक ही इतना ही चाहते तो आप एक डुप्लीकेट आपको करने की जरूरत नहीं, बट मेरे को थोड़ा सा और लग रहा था कि रहता तो अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने डुप्लीकेट किया। तो इसे डुप्लीकेट कर ऊपर ट्रिप डबल लेयर है, उस पर क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने पर फोटो कोई भी रहता है वो डुप्लीकेट हो जाता है जो सिलेक्टेड रहता है। ये अब तो ठीक लग रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा कलर की जरूरत नहीं है फेस पे, मेरा फेस भी नहीं दिखेगा अच्छा से, तो इतना बहुत है। तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बढ़िया से, मैं तब तक फ़ोटो एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया, अब इसके बाद जूम आउट कर लेंगे और जो और कलर मैंने सेलेक्ट किया था जैसे कि ये हो गया, इसे देखते हैं कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे फ़ोटो में कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उड़ता है, उड़ता वो गाला कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कहाँ पर इसे हटा दूँगा, देखा कहाँ हो जाएगा, ये कहीं हो नहीं रहा आई थिंक। इस टाइम ब्लेंड में जाएंगे, मल्टीपल में जाएंगे, इसे तो एडजस्ट कर लेते हैं इधर, इसे हटा देते हैं, इसे लगाते हैं थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, ये बेटर लग रहा है। इसे इधर करें, इधर नहीं ठीक लग रहा, इसे हटा देते हैं आई थिंक, यहाँ पे ठीक लग रहा नहीं, ठीक लग रहा आई थिंक, कहीं भी ठीक नहीं लग रहा है, क्या करें, एडजस्ट करते हैं देखते हैं करके। ऐसे ठीक लग रहा है बट कुछ खास नहीं मज़ा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हटाते हैं। ऊपर में ठीक लग रहा था, ऊपर में मैंने फिक्स कर दिया, उसके बाद में हम लोग स्टिकर में जाएंगे। फिर मैंने पहले से ही ये कलर, ये मैंने PNG यूज़ किया था, होली कलर लिखेंगे तो आप लोग आ जाएगा ये PNG इस टाइप का, होली कलर लिख के PNG आ गया। और इसे थोड़ा सा चेहरे पे आ रहा है, इसे थोड़ा इरेज कर देंगे ऊपर, इरेज वाला टूल का इस्तेमाल करके साइज़ को छोटा करेंगे 8-9 के आसपास, और हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इरेज कर देंगे फेस पर से।
100 ऊपर तक इरेज कर देंगे, हार्डनेस कम करके फिर इरेज करेंगे ताकि फ़ोटो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए, लगे नहीं ऐसा जैसे मिटाया हुआ हो। ये हो गया मैचिंग। थोड़ा नीचे में मैंने जो बकेट का जो वो ऐड किया था PNG वो दिख नहीं रहा, तो हम लोग उसे भी हटाएंगे। पहले हैप्पी होली का एक PNG लगा लेते हैं, जो कि वहीं स्टिकर में जाने के बाद आपको मिल जाएगा। हैप्पी होली का स्टिकर मैंने ऊपर में लगा लिया है। और ये थोड़ा नीचे में मिसमैच हो रहा है बकेट्स वाला, मैं उसे हटा लेता हूँ इरेज करके। इसे पहले बढ़िया सेट कर लिए, इरेज मिल गए, हार्डनेस कम किया और इरेज कर देंगे। बकेट नज़र आ रहा है अब, थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है बकेट, तो मैंने इरेज कर दिया है। अब इसे डन करेंगे। अब लगभग ये पूरा हो चुका है, अब हम लोग इसे सेव कर लेंगे। ड्रॉ में जाके ऊपर में 3 layer 3 dot बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। 3 dot के उसके बाद सेव इमेज का ऑप्शन है, सेव इमेज कर लेंगे। ये हमारा फ़ोटो सेव हो गया। अब इसके बाद गैलरी में जहाँ पे फ़ोटो सेव हुआ वहाँ जाएंगे, गैलरी में ओपन किए हैं, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे लाइट रूम में इम्पोर्ट कर देंगे। लाइट रूम में इम्पोर्ट करने के बाद ये फ़ोटो मेरा मिल गया है, इसे लाइट रूम में इम्पोर्ट कर दिए। कहाँ गया लाइट रूम, लाइट रूम ऐड टू लाइट रूम, इम्पोर्ट हो गया लाइट रूम में। लाइट रूम डाउनलोड कर, अगर आपने नहीं किया होगा तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इम्पोर्ट होने के बाद हम लाइट रूम ओपन करेंगे। ये मेरा लाइट रूम है, ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैं पहले से एडिट किया था तो इम्पोर्ट हो गया है मेरा फ़ोटो, अभी आप देख रहे होंगे ऊपर में दिखा रहा होगा। इम्पोर्ट करने के बाद इसका मैं एक प्रीसेट है मेरे पास, जो मैं डाउनलोड किया था यूट्यूब से ही डाउनलोड किया था, यारा होली प्रीसेट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ सेटिंग को और वापस जाऊँगा अपने फ़ोटो में, जो फ़ोटो मैं एडिट किया था उसमें थोड़ा जाके ये प्रीसेट लगाऊँगा और थोड़ा सा मिलाऊँगा और फ़ोटो रेडी हो जाए। फ़ोटो पेस्ट हो गया, प्रीसेट 3 dot पर जाएंगे और पेस्ट कर लेंगे। तो ये पेस्ट हो गया, इसके बाद थोड़ा सा मिला लेते हैं कलर वलर। ये थोड़ा सेचुरेशन को 55 करेंगे और इसे 47 कर देंगे, ह्यूज को और ह्यूज को 68 कर देंगे। ब्लू कलर कौन सा कलर है आप अपने हिसाब से कलर मिला लीजिएगा। ऑरेंज कलर को ठीक ही है, येलो कलर ठीक ही है, ब्लू ठीक है, ब्लू को थोड़ा देख लेते हैं मिलाकर कैसा बढ़िया लगेगा, नहीं ठीक है। ग्रीन को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ह्यूज बढ़ा देंगे, ह्यूज को थोड़ा सा ठीक है इतना, 56 65 ठीक है। ये हो गया, आप अपने हिसाब से कलर मिला लीजिएगा हर, क्योंकि सब फ़ोटो जैसे नहीं होता है, बट तो आप फ़ोटो अपने फ़ोटो के हिसाब से मिला लीजिएगा। ये आपको सब चीज़ बिल्कुल मिला हुआ है, बस प्रीसेट कॉपी करना है, वहाँ जाकर 3 dot पर क्लिक करके नीचे कॉपी कर लेना है और फिर फ़ोटो जो फ़ोटो में लगाना है वो फ़ोटो में जाकर पेस्ट कर देना है। और आप थोड़ा सा मिलाकर अपना अपने हिसाब से जो आपको बढ़िया लगे के हिसाब से करके, और फिर ऊपर में शेयर वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने पर सेव टू डिवाइस जाएगा और यहाँ पर थोड़ा देर में आपको फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो इसे हम फ़ोटो देखने में तो ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा कलर की दिक्कत है। मैं अपना जो नेम जो है वो उसका जो मैं लगाता हूँ वो छूट गया है, तो उसे मैं पिक्सार्ट में थोड़ा सा डालता हूँ इसे। एक सेकेंड, अब देखिए पहले फ़ोटो ऐसा था अब ऐसा लग रहा है, तो आई थिंक बेटर देन बिफोर। तो इसे हम पिक्सार्ट में डाल देंगे। ये पिक्सार्ट ओपन हो गया है, पहले फोटो ओपन कर लेते हैं। फ़ोटो ओपन करने के बाद सिलेक्ट होने के बाद पिक्सार्ट में उसे शेयर किए, शेयर करेंगे। अब देखिए फ़ोटो ऐसा था ऐसा लग रहा है, बढ़िया। शेयर सेंड पर ऑप्शन जाएंगे, सेंड के बाद पिक्सार्ट सेलेक्ट करेंगे। हो गया पिक्सार्ट मिल गया, पिक्सार्ट पे शेयर करेंगे। उसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे, ये मेरा नेम का स्टिकर है, तो वहाँ पे जा हम जो मैं लिखता हूँ फ़ोटो बनाने के बाद बेफिक्र क्रिएशन, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड में मेरे है,
तो ये कुछ पीएनजी हैं जो मिल जाएंगे बी एक्यूरेशन, ये मैं लगाऊंगा अपने फ़ोटो में, कहीं भी जगह देख के लगा देता हूँ। ऐसे ब्लेंड में जाएंगे और निगेटिव कर दे, पहले तो फ़ोटो को निगेटिव इफेक्ट में जाएंगे, कलर में जाएंगे, उसके बाद निगेटिव में जाएंगे, निगेटिव फ़ोटो को निगेटिव कर लेंगे, उसके बाद अगर ब्लैक में है तो निगेटिव, वाइट है तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो गया ये क्योंकि यहाँ पे वाइट बढ़िया नहीं लग रहा, ब्लैक इसलिए मैंने ब्लैक कर लिया है। अगर आप वाइट चाहेंगे तो वाइट में भी रख सकते हैं, वाइट में आप मल्टीपल कर लेंगे, उसके बाद उसी तरह से सेव कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा कलर आई थिंक और बढ़िया होना चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, इससे बैक जाते हैं, टूल्स में जाएंगे और एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ पे एज ब्राइटनेस ठीक लग रहा है, इतना पे ठीक है, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 55 के आसपास, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, 8 के आसपास ह्यूज जैसा तो वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये कलर चेंज कर देता है पूरा का पूरा, इसलिए इसे नहीं कुछ भी छेड़ेंगे हम लोग, इसे थोड़ा सा कम करेंगे या बढ़ाएंगे आप अपने हिसाब से, आपके फ़ोटो के हिसाब से आप मिला लिए, मेरे फ़ोटो में कम बढ़िया लग रहा था तो मैंने कम किया। उसके बाद आप थोड़ा सा आप टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं तो फोटो थोड़ा बढ़िया लगेगा, तो मैं टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, फ़ोटो बढ़िया लग रहा है इतना पे। उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो ब्लू हो जाता है तो बढ़िया लगता है, उसके बाद हम और फ़ोटो को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो कहाँ जाएंगे, ड्रॉ टूल में जाएंगे, थ्री डॉट, फिर ड्रॉ में जाएंगे, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है फ़ोटो को होने में, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और ये हमारा हो जाएगा फ़ोटो, ये हमारा हो गया फ़ोटो सेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।